नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ फ्लाई अकेडमी भोपाल में। और आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मम उद्धानम। आज हम इस वीडियो में उद्धानम निबंध जो है हमारा संस्कृत में, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। हिंदी में ट्रांसलेट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से कि भैया क्या कह रहा है, कैसे हमें निबंध को लिखना है और उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, जिससे आपके जो पेपर में आएगा तब अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सको। चलिए हम शुरू करते हैं। मम गृहस्य समीपम एकम उद्धानम अस्ति। मेरे घर के समीप मतलब पास में, एकम मतलब एक, उद्धानम अस्ति मेरे घर के पास में एक उद्धान है, मतलब गार्डन है। उद्धानस्य हरितिमा विलोक्य जना प्रमुदिता भवति। उद्धान की मतलब गार्डन की जो हरितिमा मतलब हरियाली को देखकर लोग बड़े विमुक्त होते हैं, खुश होते हैं। अत्र बहवः वृक्ष सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं। सर्वे वृक्ष पंक्तिबद्ध रूपेण स्थापिता सन्ति, सभी जो वृक्ष हैं वो आपके पंक्ति रूपेण मतलब सिक्वेंस वाइज पंक्ति में हैं, लाइन में हैं, सभी स्थापित हैं। वृक्षणाम छायासु जना विश्रामयन्ति, वृक्ष की छाया में सभी लोग आराम करते हैं। तेसु नाना प्रकाराणी पुष्पाणी फलानी च विकसन्ति, वहाँ पर नाना प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के फूल फल आदि विकसित होते हैं, यहाँ पर लगते हैं, पैदा होते हैं। जना वृक्षणाम फलानी भक्ष्यन्ति, लोग फलों वृक्षों के फल खाते हैं, लोग वृक्षों के फल खाते हैं। ते प्रातः काले भ्रमणार्थम अत्र आगच्छन्ति, वो लोग सुबह प्रातः काल मतलब मॉर्निंग में घूमने भी आते हैं, वॉक पे आते हैं। तदा शुद्ध सुभाषित समीर प्रबंध जननाम मनासी मोदयन्ति, तो वहाँ पर जो सुबह सुबह जो शुद्ध हवा बहती है, ऐसे लोगों के वो मन को मोह लेती है, मन को आनंद कर देती है। अत्र आगत्य ते स्वास्थ्य लाभमति कुर्वन्ति, यहाँ पर आने में लोगों की स्वास्थ्य में मतलब हेल्थ में लाभ होता है, बेनिफिट होता है। प्रातः समय वृक्षेषु स्थितानां पक्षिणां कलरवः अत्यंतम आनंदम आकरोति, सुबह सुबह जब होता है वृक्ष पर जो पंक्षी रहते हैं तो उनका जो चहकना चहचहाना, उनका जो कलरव करना चहचहाना अत्यंत ही अच्छा लगता, आनंदित लगता है। उद्धानी अस्माकं मनसानि मोदते, गार्डन जो होते हैं हमारे मन को मोहित करते हैं। अत्र बालकानां क्रीडनाय क्रीड़ा क्षेत्रमपि अस्ति, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अलग से एक क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेलने का स्थान है। उद्धानम नगरात प्रदूषणम वारयति तस्य शोभा वर्धते च, उद्यान गार्डन जो होते हैं वो नगर के मतलब हमारे शहर के प्रदूषण को कम करता है और हमारे शहर की शोभा को बढ़ाता है। तो इसी तरीके से आपका जो उद्यानम का गार्डन का जो निबंध था, बगीचे का निबंध था, वो आपका ख़त्म हो गया है। तो आपको अगर ट्रांसलेट इसका सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये आप जो निबंध मैंने आपको बताया, इस निबंध को आप देखें ज़रूर और इसी को लिखेंगे पेपर में, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।